ग्वालियर से आ रही है, जहां पे गद्दा फैक्ट्री में अचानक से आग लगी है। भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल, करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया है, अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धू धू कर ये पूरे इलाके में आग लग गई है और पूरा का पूरा इलाका धुआं धुआं हुआ है। गद्दा फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। राहत की बात है कि इस हादसे में अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। काफ़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद काफ़ी यहां पे जद्दोजहद करनी पड़ी फायर ब्रिगेड की टीम को, तब जाकर आग पर काबू पाया गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी है। जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, रात का ये वक्त जब ये आग लगी और सुबह तक यहाँ पर देखिए फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए, फिलहाल यहाँ पे कोशिश रंग लाई है, आग पर काबू पाया गया है। काफ़ी यहाँ पे करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आकलन नहीं लगाया गया है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। देव श्री बाली हमारे वरिष्ठ सहयोगी से अपडेट लेते हैं। देव सर, ये बताइए जरा, आग किस वजह से लगी है, कितने के नुकसान का आकलन और किस तरीके से इस पूरे हादसे को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल, ये आग लगी है जो यहाँ यादव धर्म कांटा है उसके पास एक गद्दा बनाने की फैक्ट्री थी, फोम की फैक्ट्री, इसमें आग लगी है। और आग लगभग 5 बजे के आसपास लोगों ने देखी और उसके बाद सूचना दी, तो अभी हालांकि आग पर काबू पाया जा रहा है, पूरी तरह से नहीं बुझी है लेकिन कंट्रोल कर ली गई है। लगभग 35 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में लगी और बताया ये जा रहा है कि इसमें कुछ 5 कर्मचारी रात में रुके थे और उन्होंने जो बीड़ी पी है, बीड़ी या सिगरेट, उसको फेंका है, उससे ये आग लगने की संभावना जताई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि रिहायशी आबादी में ये फैक्ट्री मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं था जिससे आग पर काबू पाया जा सके। तो ये बड़ी गंभीर जो है नेग्लिजेंसी है, जिस जो इस बात की पुष्टि स्वयं जो आग बुझाने गई टीम थी उसने की है। तो ये आग लगने की 3 महीने के अंदर दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले रंगमहल और संगम गार्डन था, उसमें भीषण आग लगी थी। अच्छी बात ये है कि इसमें भी कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन लाख जो नुकसान है उसका आंकड़ा करोड़ों में जा सकता है। हालांकि अभी आकलन किया जाना बाकी है। देव सर, नुकसान की भरपाई तो खैर समय के साथ हो जाएगा और राहत की बात यह कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन हादसों के बाद ही अनियमितताएं सामने क्यों आती है और इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई अब पुलिस की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जहां दो बातें हैं। देखिए, जहां तक अनियमितताओं का मामला है, NDTV ने कुछ समय पहले एक व्यापक रिपोर्ट दिखाई थी जिससे पता चलता है कि नगर निगम आग बुझाने को लेके कितना गंभीर है। और एक हाइड्रोलिक मशीन जो 5 करोड़ रुपए की खरीदी गई है, वो पिछले 5 साल से गैरेज में सिर्फ इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि उसके लिए ऑपरेटर नहीं है, जो 5,000 रुपए महीने का होता है। दूसरी बात यह है कि फायर सेफ्टी को लेकर के यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जरूर ये ऑडिट शुरू किया गया है और सरकार ने कल भी, मध्य प्रदेश शासन ने भी ऑर्डर जारी किए हैं कि जिनके पास फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं होगा, NOC नहीं होगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है। तो वही बात है कि जब आग लग जाती है तो लोग पानी के लिए दौड़ते हैं, पहले से इसका इंतजाम नहीं करते हैं। ये एक बड़ा दुखद बात है और घटनाएं लगातार होती रहती है। बिल्कुल, ऐसे जब घटनाएं घटती है तो सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है और जुर्माना को बढ़ाया जाता है, सख्त कार्रवाई के निर्देश यहाँ पे सरकार की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद दुख की बात ये कि हादसे थमने का नाम नहीं लेते हैं। किसे जिम्मेदार माना जाए, किसकी लापरवाही है? बिल्कुल, ये सीधी चीज है, देखिए ज्यादा लापरवाही तो सरकार की ही है क्योंकि सरकार का जो नगर निगम डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, ये इनको एक एक चीज की निगरानी रखना चाहिए। भाई, फैक्ट्री 2 दिन से नहीं चल रही थी, फैक्ट्री वर्षों से चलती है, बनते समय ध्यान दिया जाता है, लेकिन उस समय ये लोग ध्यान देते नहीं है कि बगैर फायर इक्विपमेंट है कि नहीं। कायदे से ये है कि जब भी कोई फैक्ट्री बनाई जाती है तो नगर निगम के द्वारा उसकी NOC देना चाहिए
और एनओसी देने के पहले नगर निगम को वहां जाकर सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए कि फायर के प्रॉपर इक्विपमेंट हैं कि नहीं, अगर आग लग जाती है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड पहुंचने के रास्ते हैं कि नहीं, कैसे पहुंचाएंगे, तो ये सारी चीजें पहले होना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें लकीर पीटने का ही काम होती है जो घटना के बाद की जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवश्री, उम्मीद करते हैं कि इस हादसे के बाद कम से कम अब तो शासन प्रशासन सबक ले और इस जो आदेश दिए जाते हैं उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो।